71 में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति का उत्सव आज भी सढ़ौरा इलाके में धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इलाके की सुख समृद्धि कामना के लिए लोग अच्छा खासा दान पुण्य भी कर रहे हैं, भंडारों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में संत शिरोमणि बाबा नामदेव सभा सढ़ौरा के सौजन्य से यहाँ पर आज प्रसाद की सेवा, खिचड़ी के प्रसाद की सेवा यहाँ पर लगाई गई। आप देख सकते हैं लोगों को आज गर्म गर्म खिचड़ी जो है खिलाई जा रही है। आप देख सकते हैं संत नामदेव सभा से जुड़े समस्त उनकी टीम के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से ही ये जो भंडारा रूपी प्रसाद खिचड़ी के रूप में जो है, और खिचड़ी भी सात्विक खिचड़ी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी खिचड़ी रहती है, और उसी निमित्त आज संत नामदेव जी की ये टीम जो है खिचड़ी का प्रसाद जो है बाँट रही है और लोगों की सुख समृद्धि मंगल कामना जो है वो मांग रही हैं। और सुबह सुबह भजन कीर्तन के साथ अनुष्ठान किया गया, संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज को याद किया गया, समस्त देवी देवताओं को याद करने के पश्चात इनकी टीम के सदस्यों द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं आप खिचड़ी का प्रसाद लोगों को बांटा जा रहा है। श्रद्धा से लोग भी खिचड़ी का प्रसाद इनसे ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आते जाते राहगीरों को जो है रोक रहे हैं और परिवहन की बस को जैसे इस प्रकार से सामने आई है, और ड्राइवर भी ये भी सढ़ौरे से ही हैं अवतार सिंह जी, और बस टूर को आया और प्रसाद की सेवा सभी को दे रहे हैं। सात्विक आहार है देख सकते हैं आप। तो मकर संक्रांति के इस पर्व पर धूम धड़ल्ले के साथ जो है आयोजन जगह जगह पर किए जा रहे हैं और भी बहुत से संदेश हम तक आए हैं। दोपहर को भी काफ़ी जगह आयोजन है, सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रसाद की सेवा, मोहिल प्रिंटिंग प्रेस के सामने ये प्रसाद की सेवा लगी हुई है। देख सकते हैं आप सभी यात्रीगण जो सुबह सुबह यात्रा पर निकले हुए थे अपने गंतव्य के लिए, सभी के सभी जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से अन्न का वितरण करना ये बहुत ही प्राचीन परंपरा हमारे उसमें रही है, संस्कृति में रही है, और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हमारे ये साथी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। चलिए मदन लाल जी से बात करते हैं। मदन जी, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आज ये किस प्रकार से आयोजन आप लोगों द्वारा किया जा रहा है जी? आज जो है ना हमारे गुरुदेव का वो उनकी आज पुण्यतिथि भी है। अच्छा, पुण्यतिथि भी है जी। भगवान के चरणों में लीन हुए जी 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 जी। संक्रांति के दिन उन्होंने विशेष चुना था जी जी, भगवान को हमेशा दर्शन देते थे जी जी जी, और मकर संक्रांति वाले दिन उनको अपने साथ भगवान अपने साथ उनकी आत्मा को उनकी ज्योति को लीन हो गई जी जी जी। बस ये विशेष आज के दिन छुट्टी का विशेष प्रदान जी। तो जैसे मदन जी ने बताया कि आज संत नामदेव जी महाराज जी की पुण्यतिथि भी है, तो आज इस दिवस को उस नाते से भी ये लोग याद कर रहे हैं, साथ ही मकर संक्रांति भी है, और लोगों को जो है प्रसाद की सेवा संत नामदेव जी को याद करते हुए और साथ ही सभी का कल्याण की कामना करने के लिए भी इस प्रकार से सेवा की जा रही है जी। मोहिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? आज है ना नामदेव जी महाराज जी की पुण्यतिथि है जी जी जी, उसके अवसर पर हमने जो है ना ये खिचड़ी का प्रोग्राम रखा हुआ थोड़ा प्रसाद के तौर पर जी जी जी, इससे जो है खुशहाली रहे हमारे एरिया में जी, हमारे शहर का खुश रहे, सारा परिवार खुश रहे, शहर तरक्की करे, भगवान नामदेव जी सबको सद्बुद्धि दे जी जी। इस विषय में हमने जो है ना ये रखा हुआ है प्रसाद का वितरण जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नेक कार्य है मोहिल साहब आपकी टीम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इलाके की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए भी आज सुबह सवेरे पूजा अर्चना करने के पश्चात ये पूरी टीम जो है यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और प्रसाद का वितरण इस टीम के द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं संत शिरोमणि नामदेव जी का एक सुंदर स्वरूप आप देख सकते हैं, बात साथ ही भगवान श्री विट्ठल राय नमः श्री कृष्ण जी। तो प्रसाद की सेवा निरंतर काफ़ी लंबे समय तक ये लोग चलाएंगे, काफ़ी प्रसाद इनके द्वारा बनाया गया है, सभी की मंगल की कामना करने वालों का स्वतः ही अपना भी मंगल होता है, सभी के
सुखों में वृद्धि होती है, इनके सुखों में भी वृद्धि होती है। तो ऐसी कामना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की कामना के साथ ये लोग जो है आज संत नामदेव जी को याद कर रहे हैं, साथ ही मकर संक्रांति का उत्सव भी उल्लास के साथ लोगों के साथ मिल बैठ कर जो है मना रहे हैं। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।